उपचार में लापरवाही को लेकर जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। महिला के उपचार के दौरान स्थिति बिगड़ने पर महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल में काफी हंगामा किया। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल में जमकर हंगामा कर रहे ये पोटिया निवासी लक्ष्मी ठाकुर के परिजन हैं। बता दें कि इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी वहां पर दर्ज की गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लक्ष्मी ठाकुर के उपचार के दौरान काफी लापरवाही की गई है। परिजनों का कहना है कि मामला इतना बिगड़ गया है तो इसको देखते हुए यहां इलाज भी नहीं कराएंगे और उनको इलाज के लिए रायपुर रिफर करने की बातें वे कहते रहे। काफी देर तक के विवाद के बाद में स्थिति ये बनी कि अस्पताल प्रबंधन ने आखिरकार ये कबूल ही लिया कि महिला के उपचार का जो खर्च है वो खुद ही अपने हॉस्पिटल की तरफ से देंगे। परिजनों के साथ शामिल हुए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां पर जमकर उत्पात भी मचाया। प्रदर्शन के दौरान लक्ष्मी ठाकुर के परिजनों ने इस तरह की बातें रखी। तो मैं बोला कि देखिए सर, जल्दी कैसे जल्द करके ठीक बार हो जाए, मेरे को क्या करना है, बस ठीक हो जाए। बाकी हमने दूसरा डॉक्टर को दी थी, तो दूसरा डॉक्टर के कहना गया ना, तो वो हमको बैठ के बताने लगा, कोई समझने वाला होगा तो बुला लो। है लेकिन आप सुन लीजिए, तो बोले कि ठीक है आपको भर्ती करना पड़ेगा, उसको बच्चेदानी नहीं। मैं बोला ठीक है, तो वो भर्ती ले ली, एक दिन रखे सवेरे पहले ऑपरेशन करने के बाद एक दिन जब वो पानी जब पूरा बहने लगा बाथरूम का, तब हमको मालूम चला कि गलत हो गया हमारे भाई के साथ। डॉक्टर रायपुर में मेरे डॉक्टर ने बोला है इसका जितना जो काफ़ी जो देते हैं हॉस्पिटल का, वो कहाँ है, जितना भी जो बनता है वो सब काफ़ी उपी सब कहाँ है। गलत तो, इलाज के बारे में क्या बताया? हाँ, गलत इलाज के बारे से बोला सर कि उन्होंने बोला कि आपका भाई का वो नलकी को काट दिए गए, नलकी को धोखे से उन लोग काट दिए। हाँ, तो बोले कि इसमें आपको फिर वो पाइप डालना पड़ेगा, अगर पाइप में काम अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा बड़ा ऑपरेशन। क्या मांग करते हैं सर? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ सर कि जो गलत किया है उसको सजा, आइंदा कोई गरीब को मत हो कुछ ऐसा, मेरे जैसे कोई गरीब आया तो वो भी दो पैसा दे नहीं पाएंगे। पैसा भी तो लिया है इधर उधर से पैसा मांग करके लगाया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सर यहाँ लिए एक बार जमा करा है, एक बार 4500 रुपये जमा करा है, एक बार 2900 रुपये जमा करा है और 2500-2600 रुपये जाने का समय लिए। बाकी आयुष्मान से हुआ है ना, नाम बताएंगे? मुन्ना इतवारी ठाकुर असली नाम। लापरवाही मानी गई और साथ में टीआई साहब भी थे, साथ में डॉक्टर साहब भी साथ में थे, और डॉक्टर साहब का कहना है कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं गरीब आदमी, मैं इलाज तो नहीं कर सकता उनका, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को रामकृष्णा में ये इलाज हो, और जो गलत किए हैं उसके नाम में केस दर्ज हो, इलाज का पूरा खर्च वो उठाएंगे बोले। मामला ये है कि एक दुर्ग की महिला लक्ष्मीबाई नामक आदिवासी ठाकुर, वो यहाँ इलाज कराने आई और यहाँ इलाज के नाम पे उसके साथ धोखा किया गया। वो बोला गया कि आपकी बच्चेदानी ख़राब है, बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, तो बच्चेदानी तो उन्होंने निकाला लेकिन साथ साथ में जो है पेशाब की नली है उसको काट दिया। तो जब पेशाब की नली काट दिया और जब ये लोग 10 दिन तक यहाँ रहे, एकदम परेशान रहे कि पेशाब बह ही रहा है, पेशाब बह ही रहा है, तो फिर इसकी छुट्टी कर दिए कि आप घर जाओ। तो घर में 2-4 दिन रहे, रहने के बाद फिर ये वापस आए कि भाई पेशाब तो रुक ही नहीं रहा है, तो फिर ऑपरेशन किए उसका, तो फिर ऑपरेशन किए तो उनके समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर तिवारी है कोई यहाँ पे शंकरा में, तो डॉक्टर तिवारी की देखरेख में किए, तो डॉक्टर तिवारी ने बोला भाई इसकी तो गलती से ये कट गया है, नस कट गई पेशाब की। तो फिर हम लोगों ने एकदम संयम से काम बरता और बोले कि यहाँ से छुट्टी करवाएंगे। हम लोगों ने फिर इसको लेके शंकरा वहाँ रायपुर रामकृष्ण केयर ले गए, रामकृष्ण केयर में ले गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने डॉक्टरों ने जब बैठक होती है समझाया कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब ये महिला ये ऐसे ही रहेगी, बस आपको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, अगर जल्दी ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा दोनों तरफ, तो इसको कोई नहीं बचा सकता। तो हमारी आज ये मांग है कि जिस डॉक्टर ने
उसका इलाज किया था उसके ऊपर FIR किया जाए और प्रबंधन के खिलाफ FIR किया जाए ताकि ऐसा गरीबों के प्रति अन्याय और अत्याचार ना हो। बस यही मांग है हमारी, इसलिए आज सारे लोग सामूहिक रूप से परिवार के साथ परिजनों के साथ धरने पर बैठे हुए। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित सुपीला थाना प्रभारी ने भी मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी। पोटिया के रहने वाले मुन्ना ठाकुर है जिनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर जी का को इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। इलाज के दौरान पे परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान पे कोई लापरवाही हुई है। लापरवाही के संबंध पे जो भी आरोप लगा रहे थे उसके कारण पे यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके संबंध में यहाँ पुलिस उपस्थित आई थी। आने के बाद पे अस्पताल प्रबंधन से हमारी बात हुई है, जिसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने ये कमिट किया है कि अभी जो अगर ये हायर सेंटर ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, रामकृष्ण नगर ले जाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर इलाज का जो खर्च है अस्पताल प्रबंधन वहन करेगा। और इस संबंध में पुलिस को अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है इस संबंध में इलाज की लापरवाही के संबंध में, तो पुलिस उसे विधिवत तरीके से जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेगी। वहीं मामले को बिगड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने भी एक तरह का समझौता किया और महिला को उपचार के लिए रायपुर भेजने की बात कही और जिसका खर्च स्वयं अस्पताल प्रबंधन ही उठाएगा। अंदर जो जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पेशेंट के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। सारी चीज़ों को समझने के बाद मैंने डीन साहब को इन्फॉर्म किया, जो बाहर थे डीन साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को कंसीडर किया है कि जो भी स्थिति बन रही है, पहले मरीज का इलाज सबसे पहले प्राइमरी है, तो सबसे पहले तो मरीज का इलाज होना चाहिए। और मरीज के रिश्तेदार से पूछा गया जब, तो वो बोले यहाँ इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं, तो जिस भी अस्पताल में इलाज कराना चाह रहे हैं इन प्रिंसिपल डीन साहब ने बोला है कि वो बिल्कुल खर्च उठाने के लिए रेडी हैं। दूसरी बात, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा उसमें कॉलेज प्रशासन सहयोग करेगा और जो भी चीज़ें जांच में आगे निकलकर सामने आएंगी उस हिसाब से प्रबंधन है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और कानून अपना काम करेगा। देखिए अभी मैं इस चीज़ को लापरवाही नहीं बोल सकता, जो भी चीज़ हुई होगी बहुत जल्दी इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी हम लोग गठित कर रहे हैं, लेकिन बात चूँकि पुलिस पर जा चुकी है और जिला प्रशासन पर जा चुकी है, अब ये उनका काम है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना आगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सबके सामने ही आएगा। थाने गए थे, थाने में कोई बात सुनवाई नहीं की गई इन लोगों की, तो फिर मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। अब थाने वाले को ये बुलाएंगे तो, और थाने वाले अगर मांगते हैं हमसे तो हम उनको आवेदन भी देंगे और FIR करने की मांग भी करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शंकराचार्य हॉस्पिटल में उपचार के लिए लापरवाही देखी गई हो। अक्सर इस तरह के मामले शंकराचार्य हॉस्पिटल में देखे भी जाते हैं, जहां परिजन असंतुष्ट होकर और आक्रोशित होकर यहां से निकलते देखे जाते हैं। बहरहाल महिला को उपचार के लिए रायपुर भिजवाने की बातें कही गई है। ग्रैनी सीन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।